हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम है ना, बैक टू न्यू वीडियो। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेक स्टार्टअप की वेबसाइट बनाई है। तो गाइस अगर आप कोई टेक स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, तो आपको कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो गाइस वो जो है आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो गाइस वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कैसे आपको बनाना है मैं आपको बताऊंगा। आप सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखिए, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है डोमेन नेम की और वेब होस्टिंग की। तो गाइस डोमेन नेम गाइस वो होता है जहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो गाइस उसके लिए हमको जो है एक डोमेन नेम चाहिए होता है। ठीक है, तो गाइस वो डोमेन नेम जो है आप यहाँ से ले सकते हैं, डोमेन रेसर से। और गाइस वेब होस्टिंग वो होती है जहाँ पे हमको हमारी वेबसाइट अपलोड करने के लिए हमको कुछ स्पेस चाहिए होता है। तो गाइस वही स्पेस जो हमको वेब होस्टिंग में मिलेगा, जो भी गाइस आपको इस साइट पर मिल जाएगा डोमेन रेसर पे। तो आप जो है दोनों की दोनों जो है अगर आपको एक साथ लेना है, तो डोमेन रेसर पे आ जाइए और आप यहाँ से ले सकते हो। तो गाइस पहले मैं बात करता हूँ डोमेन नेम की। तो डोमेन नेम पे गाइस आप यहाँ पे आके सीधा लिख सकते हो, जैसे मैंने एसजे वर्डप्रेस लिखा। तो यहाँ से सीधा गाइस आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से डोमेन नेम जो है अवेलेबल है, उस हिसाब से जो है ये आपको अपने आप से सजेस्ट भी कर देगा डोमेन नेम। जैसे एसजे वर्डप्रेस डॉट एक्स वाई जेड है, मैंने एसजे डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम रखा, लेकिन डॉट कॉम नहीं रखना चाहते, कोई और रखना चाहते हो तो गाइस वो भी है, जैसे डॉट और या डॉट नेट। इसके अलावा गाइस अपने मर्जी से भी कुछ सजेस्ट कर देता है कि आप रियल एसजे वर्डप्रेस डॉट कॉम रख लो, तो ये सारे ऑप्शन भी आपको देता है। ठीक है, उसके बाद में गाइस मैं बात करता हूँ वेब होस्टिंग की। तो गाइस यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है, और गाइस यहाँ पे प्राइसिंग जो स्टार्ट होती है वो सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होती है। तो गाइस ये जो काफ़ी चीपर है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे अलग अलग जो है ऑप्शन अवेलेबल है। और गाइस देखिए, इसमें आपको खास बात क्या मिलती है डोमिनेशन में, कि यहाँ पे आपको लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी मिलती है। आपको आप कोई भी होस्टिंग लीजिए, सब जो है एसएसडी डिस्क पे आती है। तो गाइस आप सबको मालूम है एसएसडी डिस्क जो है कितनी फास्ट होती है। फिर ये गाइस फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, और गाइस काफ़ी फास्ट स्पीड आपको मिल जाती है। ठीक है, तो गाइस ये है बेसिक प्लान, जिसमें ये उन लोगों के लिए है गाइस जिनका ट्रैफिक मतलब है ही नहीं है, या फिर मतलब बहुत कम ट्रैफिक है, यानी कि आपका स्मॉल सा बिजनेस है और आप चाहते हैं कि कुछ लोग उसको देख लें। ठीक है, चेक करके आपके बिजनेस के बारे में। तो गाइस उसके लिए आप फिर बेसिक प्लान लीजिए। तो इसमें गाइस आपको सिर्फ सिंगल वेबसाइट होस्टिंग करने को मिलती है, 1 GB का एसएसडी स्पेस मिलता है, 10 ईमेल आईडी आप क्रिएट कर सकते हो, 5 GB बैंड भी मिलती है, और लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी मिलती है। उसके बाद गाइस पर्सनल है गाइस, ये उन लोगों के लिए इनकी वेबसाइट थोड़ा एवरेज से ट्रैफिक आ रहा है, यानी कि कुछ लोग डेली कुछ विजिट्स उनकी वेबसाइट पर हो रहे हैं। तो गाइस उनके लिए ये प्लान बेस्ट है, जिसकी प्राइस आपको सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ आपको देनी है। और गाइस ये प्रोफेशनल ब्लॉगर एंड एक्टिव एवरेज ट्रैफिक वेबसाइट के लिए। यहाँ पे भी गाइस आप सिर्फ सिंगल वेबसाइट होस्ट करोगे, लेकिन गाइस यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज मिल जाएगा। तो गाइस मैं शायद यही सजेस्ट करूँगा, जो ये ले रहे हैं वो यही ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एसएसडी स्टोरेज अनलिमिटेड मिलता है। तो ऐसे में अगर आपको कुछ और एडवांस काफ़ी सारा ऐड करना अपनी साइड में, तो गाइस आपके पास अनलिमिटेड यहाँ पे स्टोरेज है। इसके बाद अलावा गाइस यहाँ पे आपको अनलिमिटेड ईमेल आईडीज भी मिलती है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी मिलती है, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी, आपको प्रीमियम एसईओ टूल एंड गिफ्ट 0.532 अर्थ टेक्नोलॉजी आपको मिली। ठीक है, तो गाइस ये आपको मिलता है। फिर है गाइस सिल्वर। अब गाइस ये जो है सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं, और गाइस ये थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक के लिए है, यानी कि जो एवरेज ट्रैफिक से थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक जिनकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, उनको यही जो है लेना चाहिए। और ये गाइस नंबर वन बिजनेस चॉइस है। इसकी प्राइस है सिर्फ 169 रुपीज़ पर मंथ। यहाँ पे गाइस आप होस्ट 3 वेबसाइट, अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज, अनलिमिटेड ईमेल आईडी, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी, प्रीमियम एसईओ टूल, गिफ्ट 1-3 अर्थ मिलेगा। ठीक है, और ये है गाइस बिजनेस, ये एडवांस है गाइस, ये हैवी ट्रैफिक वेबसाइट, यानी जिनके वेबसाइट पर काफ़ी हैवी ट्रैफिक आता है, ये उन लोगों के लिए। यहाँ पे गाइस आपको फ्री डोमेन नेम मिल जाता है .in.com में, तो यहाँ पे आपको अलग से डोमेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होस्ट अनलिमिटेड वेबसाइट, ऑल फीचर सिल्वर पैक के आपको सारे फीचर मिल जाते हैं, यानी कि ये इस वाले के, और अनलिमिटेड बैंडविड्थ, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी, प्रीमियम एसईओ टूल, गिफ्ट 1-3-2 अर्थ आपको मिल जाता है। ठीक है, अब गाइस इसके बाद में इसके सी पैनल में चलते हैं। जब आप इसको खरीद लोगे, तो गाइस बाई करने के बाद में आपको एक सी पैनल मिलेगा, जहीं से आपको जो है इंस्टॉल करनी है अपनी वेबसाइट। तो गाइस देखिए, ये ऐसा होगा आपका सी पैनल डोमेन रेसर का। और गाइस यहाँ पे देखिए ईमेल है, तो अगर आपको यहाँ पे ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है, या अपनी स्पैम फोल्डर चेंज करना है, ईमेल को इनक्रिप्ट करना है, ग्लोबल ईमेल फिल्टर्स आपको लगाना है, तो ईमेल से रिलेटेड काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनको आप जो है ट्राई कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। इसके बाद में गाइस फाइल है, तो गाइस अगर आपकी वेबसाइट में कुछ भी फाइल आपको अपलोड करना है, तो आपको यहीं से अपलोड करना होगा। अगर आपको बैकअप लेना है गाइस, तो आपको यहीं से बैकअप लेना होगा। तो ये सब कुछ जो यहीं से होगा। ये गाइस फिर डेटाबेस है, तो यहाँ से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। ये है गाइस डोमेन्स, तो यहाँ पे आपको अगर एड ऑन डोमेन अगर ऐड करना है, या वेबसाइट को दूसरे डोमेन पर जो है रिडायरेक्ट करना है, तो ये सब कुछ यहाँ पे होगा। ये मैट्रिक्स है, तो ये जो आपकी स्टेटिस्टिक्स दिखा देगा साइट के। फिर ये आप गाइस आपको सिक्योरिटी टूल्स मिलेंगे, और फिर गाइस ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो जैसे वर्डप्रेस जैसे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, तो गाइस आपको यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक,
आपको अपने होस्टिंग के सी पैनल में आना है। मैं डोमेन रेसर होस्टिंग के सी पैनल पे हूँ। यहाँ पे सीधा आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल नाउ करना है। फिर उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना साइट नेम, डिस्क्रिप्शन, यूजर नेम, पासवर्ड और यहाँ पे सीधा आपको अपने डेटाबेस का नाम डालना है। उसके बाद में आपको सीधा इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और गाइस देखिए यहाँ से सीधा जो ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो अभी जो इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद में गाइस देखिए यहाँ पे आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक है WP जो कि आपका एडमिन सेक्शन का है। यहाँ से जो है आप प्लगइन और थीम्स जो इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइस ये है यूजर के लिए, यहाँ से जो भी होगा वो यूजर्स को दिख जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपको देखना है। आपको फ्रेंड सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जो कि आपको वर्डप्रेस की साइट पर मिल जाएगा। उसका नाम है एस्ट्रा साइट, ठीक है। तो ऐड न्यू पे आता हूँ मैं और यहाँ पे सीधा अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा प्लगइन है गाइस, ये वो जो प्लगइन है आपको वर्डप्रेस की साइट में मिल जाएगा। इसका नाम याद रख लीजिए, एस्ट्रा साइट, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करके सीधा यहाँ से इंस्टॉल कर देता हूँ। तो गाइस ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। एंड इसके बाद में हमारे पास जो है दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे, बिहेवियर का तीन ऑप्शन आएंगे, बिहेवियर का, एलिमेंटर का और वर्डप्रेस ब्लॉक का, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट कर दीजिए इसके बाद में आप यहाँ पे। एंड एक्टिवेट करने के बाद में सीधा आपको, तो गाइस ये एक्टिवेट है और यहाँ पे अब सीधा सी लाइब्रेरीज पे आ जाइए। लाइब्रेरीज पे आके आपको यहाँ पे आना है, बिल्ड योर वेबसाइट नाउ। अब गाइस यहाँ पे तीन ऑप्शन अवेलेबल है, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर और बिहेवियर बिल्डर। तो इसमें से किसी से भी अगर आपको साइट बनानी है तो उससे आप बना सकते हैं। ब्लॉक एडिटर का हम इतना यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है इतना यूज यूजुअली सिर्फ नॉर्मली ब्लॉक्स का एडिट करने के लिए होता है, बट ज्यादा हम एलिमेंटर और बिहेवियर बिल्डर का ही जो है यूज करने वाले हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले एलिमेंटर पे आना है, फिर यहाँ से आ जाओ टेक स्टार्टअप पे। एंड यहाँ से गाइस हमको काफ़ी थीम मिलेगी जो कि एस्ट्रा की थीम है ऑब्वियसली। एंड गाइस यहाँ से जो है ये इसका जो है मतलब हम जो इसमें चेंज कर सकते हैं हमारा लोगो वगैरह, इसके पर कंटिन्यू करते हैं। और गाइस यहाँ से हम हमारा कलर सेट कर लेते हैं, बट गाइस यहाँ पर डिफॉल्ट कलर जच रहा है तो वी नॉट नीड टू चेंज, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं एंड इसके बाद सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट कर देते हैं। गाइस ये थोड़ा सा टाइम लेगी गाइस ये साइट जो है करने में, तो अगर आपका कोई टेक स्टार्टअप है तो इसके लिए ये अच्छा टेम्पलेट है, इसको जो है सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। अब गाइस थोड़ा सा जो है इम्पोर्ट होगा, जो भी इसमें चीज़ें हैं, जो भी उसमें विजेट्स वगैरह है, प्लगइन्स वगैरह है, सब कुछ गाइस इम्पोर्ट होगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे अभी इम्पोर्ट हो रहा है पेजेस, मेन्यू, पोस्ट एक्सेट्रा, तो गाइस उस साथ में भी बता देते हैं आप इम्पोर्ट फॉर्म, सब जो है साइट का कॉन्टेंट जो है वो इम्पोर्ट हो रहा है। अब गाइस यहाँ पे इम्पोर्टेड है लोगो, लाइट, मीडियम, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें जो है इम्पोर्ट हो रही है। जैसे यहाँ पे लोगो 5 थे इसमें, तो इसमें 5 के 5 जो है इम्पोर्ट किए हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ें सारी जो इम्पोर्ट हो रही है। क्योंकि गाइस मैं इस बार मुझे मालूम में इतना टाइम लगेगा इसलिए मैंने इस बार पॉज नहीं किया इसको, इस प्रोसेस को। एंड मुझे लगा थोड़ा सा आपको समझा ही दूँ, ठीक है। तो नेविगेशन मेनू, टाइप, मीडिया, पेज, तो ये गाइस ये सारा जो इधर आता रहता है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ मेरी आप कोई वीडियो मिस मत करो, क्योंकि किसी किसी के अंदर मैं ऐसी डिटेल बता देता हूँ जो शायद मैं आपको एक ही बार बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है उसको बार बार बताना फिर वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हो तो गाइस आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेगी। तो ये इस तरीके से खुल गया और ये गाइस देखिए इधर की साइड ये है, ठीक है। तो ये गाइस देखिए ऑन ट्रैक रीच ओवर फिटनेस गोल, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सब्सक्रिप्शन वगैरह है, ये फीचर है। तो ये जो लोगो है वो ब्रांड ब्रांड ट्रैक योर प्रोग्रेस विद आवर ऐप। अब गाइस इसका मतलब क्या है कि एक टेक स्टार्टअप आपने कुछ खोला है, ठीक है, एंड आपको उसकी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो ये गाइस इसकी एक वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो गाइस आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, टेक स्टार्टअप नेवर मिस फिटनेस योर फिटनेस रूटीन वगैरह, ठीक है। तो ये दे सकते हो, ठीक है। मतलब आपका काम क्या है, ठीक है, आपका जो टेक स्टार्टअप है, आपकी जो टेक कंपनी है वो क्या काम करेगी। अब गाइस आप देखो इसको देख के क्या पता लग रहा है, ठीक है, कि ये आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे पता लग रहा है कि ये कोई प्रोडक्ट है, लाइक फिटनेस प्रोडक्ट है, जो आपकी ट्रैक ट्रैक करेगा आपकी प्रोग्रेस इस ऐप के साथ में। और एक हार्डवेयर आपको शायद मिल रहा है, ठीक है। तो वो जो है आप जैसे कितना दौड़ रहे हो, कितना चल रहे हो, सब कुछ आपको सिर्फ वो डिवाइस यूज करना है जो एक ऐप के थ्रू आपको जो है ट्रैक करेगा। तो इसमें क्या है, क्या क्या उसमें फीचर्स है, पर्सनलाइज स्टाइल, वर्कआउट विद फ्रेंड, ट्रैकिंग इन प्रोग्रेस, फन एंड कॉम्पिटिटिव, म्यूजिक यू लव, पर्सनलाइज विद डाइट मेन्यू। तो गाइस जो डाइट मेन्यू वगैरह है जो भी आप साइट पर दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद में गाइस यहाँ से ऑप्शन रहेगा कि आप सीधा जो है अगर किसी को उस चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो यही सी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मान लो ये ऐप के लिए काम में आएगा, ठीक है। तो आपको वेबसाइट, ये वेबसाइट बना के इसको जो है आप ऐप में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे प्लान्स वगैरह जो है दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने प्लान्स कर दिया कि भाई आप जो है फ्री में भी ले सकते हो, सिर्फ डिवाइस का चार्ज लगेगा, ठीक है। यानी कि एक बार आपने डिवाइस लिया उसका चार्ज लगेगा,
और उसके बाद में ये वाली चीज़ें उसमें फ्री होगी, जैसे प्रोग्रेस ट्रैकिंग है, स्मार्ट नोटिफिकेशन, वर्कआउट चलेंगे, शेयर फ्रेंड। लेकिन गाइस अगर आप 2.4 रुपीज़ पर मंथ, 2.4 डॉलर पर मंथ देते हो तो उसमें ये भी ऐड हो जाएगा कि वो एड्स नहीं आएंगे उसमें, वर्कआउट भी फ्रेंड्स भी जो आपको मिलेगा। लेकिन गाइस अगर आप 400 डॉलर पर मंथ देता है तो आपको फुल एक्सेस मिलेगा, इसमें आपको पर्सनलाइज डाइट मेन्यू मिलेगा, फिटनेस कम्युनिटी से जो आप कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप यहाँ से आके जो है ले सकते हो, जैसे गेट स्टार्टेड पे जाके। तो गाइस इसको तो फिर आपको वूकॉमर्स में जो है ऐड करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कैसे करना है। फिर गाइस ये सीधा ही यहाँ सीधे उससे कनेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से जो है आप खरीद लोगे, ठीक है। तो गाइस ये इस तरीके से जो है आपके जो कस्टमर के लिए काम आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपने अबाउट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एंड आप जो है जो अपने टीम है उसके बारे में आप यहाँ पे डाल दीजिए, कौन कौन उसमें जो है फिलहाल काम कर रहा है। तो गाइस ये सब कुछ चीज़ें हैं, और गाइस ये बहुत ईजी है, इतना कुछ कठिन काम है नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप जो है टेक स्टार्टअप की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे नीचे लाइक का बटन है, इसको आपको लाइक करना है अभी की अभी। एंड गाइस कुछ भी क्यूरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है यहाँ पे आपको कमेंट करना है, और गाइस मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या करना है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और इसके अलावा गाइस कुछ भी आपकी अदर क्यूरीज है तो कमेंट कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनाऊं तो गाइस इसके लिए नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि उसी टाइप की वेबसाइट गाइस जो मैं वर्डप्रेस में जो है आपको बना के बता दूंगा। तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है इसीलिए, तो यहाँ पे कमेंट करिए। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो गाइस यहाँ पे देखिए नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करो। और गाइस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है। तो गाइस ऐसे में जब भी मेरी वीडियो या निशिता की वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी तो आपको उसकी इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।